नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और नेपाल बॉर्डर से लगे पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मूनाकोट ब्लॉक के झोलखेत मैदान में शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों का सम्मानित भी किया, साथ ही एक विशाल जनसभा का संबोधित करते हुए उत्तराखंड के शहीद जवानों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में बनाया जा रहा सैन्य धाम उत्तराखंड का पांचवा धाम बनेगा, जिसमें राज्य के हर शहीद के गाँव को मिट्टी ले जाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी और सांसद अजय टैम भी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों ने सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड राज्य का प्रश्न है या देवभूमि विचार धाम, और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर चौथा धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह पांचवा धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर। विकासनगर क्षेत्र में जौनसार बावर महिला लोक पंचायत के सदस्यों ने पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा के नेतृत्व में लोक पंचायत कार्यालय जीवनगढ़ से हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। महिला पंचायत स्कूटी यात्रा शहर के विभिन्न चौराहों से होकर डाक पत्थर पहुंची। विभिन्न स्थानों पर यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समापन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में महिला संगोष्ठी के रूप में हुआ। इस अवसर पर पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि सामाजिक जागरण की दृष्टि से दृष्टि के जौनसार बावर महिला लोक पंचायत की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण इस कार्यक्रम में देखा रहा है। एक्चुअली हमने ये डिसाइड किया था कि प्रत्येक 19 नवंबर को, पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ था और हमने ये उसी समय निर्णय ले लिया था कि प्रत्येक 19 नवंबर को इस प्रकार के हम रैली रखेंगे और इस प्रकार का कार्यक्रम रखेंगे। और इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने हमको ये बताया है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे या जब तक महिला घर से बाहर नहीं आएगी, इन दुष्टों का संहार नहीं हो सकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने रैली निकाली थी, ताकि कुदृष्टि डालने वाले जितने भी व्यक्ति इस समाज में मौजूद हों, वे उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई आज हर घर में पैदा हो चुकी है। और इसी उद्देश्य को लेकर के लोक पंचायत ने ये रैली निकाली थी और ये सम्मेलन किया था, क्योंकि इस सम्मेलन में आपने देखा होगा कि विभिन्न महिला मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो इस समाज में व्याप्त है, वो चाहे महिला हिंसा को लेकर हो, वो चाहे महिला अत्याचार को लेकर हो। तो एक बात आप देखिए कि जिस ढंग का ये लोक पंचायत द्वारा यह आयोजन किया गया, बहुत ही गजब का है, मतलब जिन्होंने ये ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आज जो है जो बालिकाओं को, जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है, जो इस यात्रा निकाल करके जो संदेश दिया है लक्ष्मीबाई के जन्म पर, बहुत ही सराहनीय है। मतलब इसकी सोच को मैं तो इनको ये धन्यवाद देता हूँ, किस तरह की इन्होंने जो ये किया है, किससे क्या हमारे बच्चे और हमारे जो ये समाज में जो छोटी छोटी ये कुरीतियाँ वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। आज देखो कितना गजब का बोला उन महिलाओं। चंपावत के देवीदुरा मां बाराही धाम में दीपोत्सव का समापन किया गया। 5 दिनों तक चले इस दीपोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई और कई स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। सभी लोगों में बहुत खुशी थी और दीपोत्सव होने की वजह से सभी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जहाँ बच्चों का उत्साह देखने को मिला, जिसमें सुलेख, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई और चीजों का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया।
इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई। रस्सा कसी प्रतियोगिता ने तो मन मोह लिया, मैराथन दौड़ ने मन मोहा, कबड्डी प्रतियोगिताओं का आगाज किया गया। आज समापन समारोह में हमारी उप जिलाधिकारी रिंकू विष्ट जी ने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन सभी को। बैराज स्थित कैंप कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष हेतु उपस्थित कई अन्य पार्षदों ने खुशी जताते हुए विकास तेवतिया और लव कंबोज को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला योजना समिति के सदस्यों के समर्थन और सहयोग से जिले के विकास में अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचित हुए नगर निगम पार्षद की अभी तक केवल अपने क्षेत्र के विकास की भूमिका थी, लेकिन अब जिले के विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर भी इनकी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। निश्चित रूप से जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जब कोई चुनाव होता है और चुनाव जनप्रतिनिधि उसमें वोट डालता है तो चुने हुए जनप्रतिनिधि को समझाना अपने पक्ष में बहुत कठिन होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम ऋषिकेश के ज़्यादातर पार्षदों ने हमारी बात को सुना और समझा, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने हमें विजयश्री दी। योजना निधि का जो भी बजट मुझे मिलेगा मैं नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठकर और विकास हमें वार्डों में करना है प्राथमिकता के आधार पर मैं सभी वार्डों में उस निधि को समान रूप से बांटने की मेरी। चमोली में राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक की। जिला स्तरीय इस बैठक में गौवंश के संरक्षण पर जोर दिया गया। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि गौ सेवा एक अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध, मक्खन, घी और मलमूत्र से बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। गाय के गोबर से जैविक खेती कर आर्थिक को सुदृढ़ करने के साथ ही देश के खुशहाल बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी से गौ सेवा के गंगा और गाय के संरक्षण करने की बात कही है। बताया कि सरकार स्वदेशी बद्री गाय के संरक्षण के साथ ही उसे बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने गौवंश संरक्षण के लिए जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। देखिए, बहुत दिनों से यहाँ बैठक नहीं हुई थी और यहाँ गौ संवर्धन पशुधन संवर्धन के लिए विशेष प्रयास नहीं हो रहे थे, इसलिए गौशालाओं के निर्माण के लिए नगर पालिका नगर पंचायतों की जानकारी ली क्या प्रगति है, जिला पंचायतों के ब्लॉक स्तर पर क्या क्या गौ वंश के लिए हो रहा है, निराश्रित पशुओं के लिए हो रहा है, इसकी जानकारी ली और निर्देशित किया कि एक माह के अंदर भूमि का चयन करके और जल्दी। लक्सर में आजकल अलग अलग प्रजाति के सांप मिलने से आम बात हो गई है और जहरीले सांपों की कुछ प्रजाति ऐसी है जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, लेकिन उनका उत्तराखंड में मिलना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल का कहना है कि रसेल वाइपर प्रजाति का सांप भारत में पाई जाने वाली जहरीली प्रजाति के 400 प्रजातियों में से एक प्रजाति है जो लक्सर जैसे इलाके में नहीं पाई जाती, लेकिन अब यह प्रजाति लक्सर में भी पाई जा रही है। रसेल प्रजाति के सांप का रेस्क्यू पहले भी किया गया है और आज फिर एक किसान के खेत से इस प्रजाति के सांप का रेस्क्यू कर वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। रसेल प्रजाति के सांप बेहद जहरीले होते हैं। प्रजाति का सांप है ये भारत में पाए जाने वाली 400 से जहरीली प्रजातियों में से एक है और आजकल लक्सर में इस तरह के सांप निकल रहे हैं। इसको भी आज रेस्क्यू किया गया, लगभग 6 फुट लंबा था। रेस्क्यू टीम द्वारा इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पथरी के जंगल। विधानसभा ज्वालापुर में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी सह प्रभारी दीपिका पांडे के मौजूद रही। वहीं जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ग्रामीण हरिद्वार के कार्यक्रम के दौरान बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बताया और प्रीतम सिंह को लगभग 6 महीने पहले इस पद से नियुक्त कर दिया गया था। जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ग्रामीण हरिद्वार का कहना है कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे भारत में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जबकि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं और जिला अध्यक्ष पूर्व की भांति अभी भी प्रीतम सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में
उत्तराखंड की ये कार्यक्रम चला रखा है। मेरा बूथ मेरा गौरव, मेरा बूथ रहे मजबूत, अपने कार्यकर्ताओं के बूथ के तरफ जाए साथियों को ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको अपने बूथ पर जब 2022 में चुनाव होगा आप मजबूती के साथ अपने बूथ पर बैठिए और अपने वोटर को मॉडिफाई करिए, उसको समझाइए और उसे बूथ तक ले जाने का आपका दायित्व है ताकि कांग्रेस जीते और ये सांप्रदायिकता शक्ति जो देश के अंदर आज सरफला रही हैं इनका जो है इनको दूर ये दूर जा सके, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हमारी प्रदेश की प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह यहाँ मौजूद हैं और हमारे तमाम बूथ के मैनेजमेंट के कर्म साथी मौजूद हैं और ये प्रदेश स्तर से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह जी उनके दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम चल रहा है। खबर सिकारगंज से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और पीएम के इस बड़े ऐलान के बाद देश भर में किसानों ने जश्न मनाया। इसी कड़ी में सितारगंज के किसानों ने भी कृषि कानून वापस होने पर मिठाइयां बांटी। वही किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले को देर से ही लिया गया पर बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। इसी के साथ किसान मोर्चा की ओर से ये भी कहा गया है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए ये जो फैसला हुआ ये अगर पहले हो जाता तो आज 750 किसानों की जानना चाहते हैं। ठीक है देर आए दुरुस्त आए मोदी जी से कहना चाहते हैं लेकिन जब तक ये तीनों काले कानूनों पे इनको रद्द करके एमएसपी पे गारंटी नहीं देती, जब तक संसद के अंदर इन तीनों कानूनों को रद्द करके एमएसपी के ऊपर गारंटी नहीं देते तब तक अभी किसान जमे हुए हैं बॉर्डरों पे। ये किसान तभी जाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि जल्दी हम 24 तारीख को एक संसद बुलाकर और उसमें तीनों कानून जो है वो रद्द कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप संसद बुलाकर और ये तीनों काले कानून रद्द करके और एमएसपी पे गारंटी दे दें तो संतुष्ट होकर किसान अपने अपने घरों को चले जाएंगे और उसके बाद में जो असली इस बार जो हमने काली दिवाली मनाई थी वो दिवाली हम तब मनाएंगे जब तीनों काले कानून रद्द करके और एमएसपी पे गारंटी। राज्य सरकार की तरफ से स्वरोजगार के लिए किसानों को सहकारिता विभाग की ओर से एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ की थल शाखा और 3 समितियों ने आज में 41 लाभार्थियों और सहित 3 समूहों को 30 लाख से अधिक धनराशि के चेक वितरित किए गए। यह ऋण लाभार्थियों को बकरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, फूल उत्पादन के तहत स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रौतेला ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना से किसानों की आय दुगनी कर दी गई है। जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ शाखा थल में 38 लाख का ऋण वितरण करा गया जिसमें 41 लाभार्थी ने लाभ लिया। उसमें ग्रामीणों और किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है 0% ब्याज में। सितारगंज क्षेत्र की ग्राम बघोरी में आज देखने को मिला है, आपको बता दें कि आज कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। काफी देर तक घर का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोल कर देखा। गांव के लोगों ने तुरंत सितारगंज कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएससी सितारगंज पहुंचे। पूरे मामले की पुलिस की ओर से कहा गया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि मृतक के पिता को 3 महीने पहले ही जेल भेजा गया है। फिलहाल जांच अभी जारी है। इकबाल शाह 27 वर्षीय बघोरी निवासी हैं जिन्हें कि लगभग 7:30 बजे सीएससी सितारगंज मृत अवस्था में लाया गया था। चूंकि एक हैंगिंग का केस है इस संबंध में इलाका पुलिस को सूचित कर दिया गया है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है लेकिन मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम के। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं पुलिस ने इन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 7 बाइक भी बरामद कर लिया है।
गिरोह का एक सदस्य अभी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने गंगनहर कोतवाली में गिरोह का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि चोरों के कोर्ट में पेश किया जाए, बाकी फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। गंगनहर थाना क्षेत्र में सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर के द्वारा टीम के द्वारा एक गैंग वर्कआउट किया गया है, जिसमें युवान चोर की घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पर बढ़ी थी। उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा 7 वाहन इसमें अब तक रिकवर किए जा चुके हैं। अभी और वाहन हम लोगों की रिकवरी संभावना है। कुल 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, जिनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के आवास पर भारी संख्या में समर्थक जुटे और स्थानीय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी जन्मदिन भी काफी अच्छे से मनाया गया। जन्मदिन को मनाने के लिए क्षेत्रीय लोग समर्थक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। उनके पोखरी नगर स्थित राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जन्म दिवस की बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। उन्होंने कहा कि वो संकल्प लेते हैं कि वैपूर की भांति हमेशा बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए तत्पर रहेंगे और चंदपोली जनपद की आदर्श जनपद बनाना उनकी प्राथमिकता में शुमार है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।